यार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया था, सीएसएबी में किया था, जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, रीप राजस्थान, डब्ल्यूबीजेडब्ल्यू, टीएनईए, जेक चंडीगढ़, ऑलमोस्ट सीयूईटी, जितनी काउंसलिंग थी सब में पार्टिसिपेट करके देख लिया, कुछ अलॉट नहीं हुआ अभी तक। उनके पास क्या सोल्यूशन है, अब वो क्या कर सकते हैं भैया, क्या फिर से प्रिपरेशन करें, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, अब हम आखिरकार करें तो करें क्या? वेल यार इसका सोल्यूशन है जीएफटीआई कॉलेजेस। बहुत सारे आप लोग कॉलेजेस देखे होंगे सीएसएबी काउंसलिंग के अंदर, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थे, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस काफी सारे थे, ट्रिपल आईटी कॉलेजेस काफी सारे थे, उन्होंने क्या हुआ है, अभी वहां पे स्पोर्ट राउंड स्टार्ट कर दिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है स्पेशली जीएफटीआई कॉलेजेस के अंदर। सो जितने भी जीएफटीआई कॉलेजेस थे स्पेशली इन द सीएसएबी, कुछ अगर टॉप के कॉलेजेस को आप अगर छोड़ दो, स्पेशली एनआईटी वगैरह, बहुत सारे ट्रिपल आईटीज ने अपनी स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट की थी 21 अगस्त को। आज ऑलमोस्ट हो चुका है 28 अगस्त। हाँ जी, तो अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे आपने कुछ कॉलेजों के नाम सुने होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, या फिर जैसे मणिपुर यूनिवर्सिटी हो गया, गानी खान चौधरी हो गया, ट्रिपल एम यूटी हो गया, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, जैसे ट्रिपल आई टी नया रायपुर था, ट्रिपल आई टी कोटा था, ऐसे बहुत सारे ट्रिपल आई टीज भी है, तो वहां पे उनके पास क्या रहता है, सीट वैकेंट रह जाती है, तो वो क्या करे, वो है उनके पास से तो जोसा भी चला गया, सीएसएबी भी चला गया, वो तो अलग हो गए, उन्होंने तो बोल दिया भाई तेरे को जो है तू देख ले अपने आप ही, इंस्टीट्यूट लेवल पे जो भी सीटें वगैरह भरनी है वो भरा ले। अब यार कॉलेज की भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो कॉलेज क्या करता है, कॉलेज अपनी वेबसाइट पर दाखिला डाल देता है कि जो भी बच्चे स्पेशली जेई मेन जिन्होंने दिया है वो हमारे यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, इतनी इतनी सीटें बची हुई है इस कोर्सेस के अंदर, और ये प्रोसेस है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, और इतना इतना जो भी फीस है वो लगेगा, आप वहाँ पे जो अपना फीस पेमेंट करके डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो, स्पेशली इन द जीएफटीआई कॉलेजेस, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस। वेल यार इस वीडियो के अंदर आपको रिकमेंडेड करना चाहूंगा, दुनिया का सबसे ग्रोइंग फील्ड दैट्स नेम इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। सो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि इंजीनियरिंग कॉलेज है दैट्स स्टार्ट इन 2018, नेम इज पीएसएसी, दिस इज एन गवर्नमेंट कॉलेज, सो आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, दिस इज प्रोवाइडिंग द एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। सो आपने देखे नहीं होंगे वैसे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस, लेकिन अभी अवेलेबल है पटियाला पंजाब के अंदर, सो आप लोग इसके बारे में चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे अभी बीटेक इन एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस अवेलेबल है, www.psac.in। खैर वीडियो के एंड में हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जीएफटीआई कॉलेजेस एंड अब थोड़े स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में यार पंजाब की साइड जैसे आईके गुजराल हो गया, ज्ञानी जेल सिंह हो गया, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज, खालसा कॉलेज, संत लोंगवाल इंस्टीट्यूट, ये कुछ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे आपको डायरेक्टली बहुत अच्छे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं इन कॉलेजों के अंदर, एंड 100% अलॉटमेंट इन द सीएससी ब्रांच। अगर आपकी रैंक है 5 लाख 6 लाख तो भी आपको स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में बहुत अच्छी डिग्री और कम से कम आपको 5 से 6 LPA का प्लेसमेंट एवरेज दिख सकता है। और यार ये स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों की भी काउंसलिंग स्पेशली एनटीए ही करता है, ठीक है, आप आई गुजराल की काउंसलिंग एनटीए करता है, उसने अभी क्लोज कर दिया, उसने भी हाथ पीछे कर दी भाई, तो अपना इंस्टीट्यूट लेवल पे देख ले, मेरे से जितना होना था वो हमने कर दिया। वैसे ही राजस्थान के अंदर रीप चलता है, जैसे आरटीयू कोटा, सीटी उदयपुर, एमबीएम जोधपुर, कुछ प्राइवेट कॉलेजेज है वहां पे भी काउंसलिंग रनिंग में चल रही है। वही अगर आप हरियाणा की तरफ देखोगे तो हरियाणा में भी बहुत सारी काउंसलिंग रनिंग में चल रही है। उत्तर प्रदेश में देखोगे तो एकेटीयू का पूरा 1.5 लाख सीटें ऑलमोस्ट अभी वैकेंट पड़ी है, क्योंकि यार काउंसलिंग अभी ऑलमोस्ट स्टार्ट ही नहीं हुई है, ठीक है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराए उन लोगों। अगर आप उत्तराखंड साइड देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत सारी सीटें वैकेंट पड़ी है। अब कुछ स्टेट वाइज स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों के नाम बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, इसके बाद में आपका क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्री माता वैष्णो देवी हो गया, उसके बाद में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी हो गया, ये 5-6 कॉलेज तो जम्मू कश्मीर के एरिया में आपको स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाते हैं, बहुत हाई रैंक पे, यहाँ लाखों रैंक पे आपको यहाँ पे बहुत अच्छी ब्रांचेस देखने को मिल जाती है। वीडियो के एंड में बढ़ने से पहले आपको कॉलेज जानकारी के बारे में बता दूं, यार हम आपके बहुत
ज्यादा लो रैंक पे यानी कि लाखों रैंक पे भी हम आपको बेस्ट से बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज सीएससी ब्रांच एरोस्पेस एरोनॉटिकल जो भी आपको चाहिए डेटा साइंस एआई एमएल हम आपको 100% अलॉट करा के देते हैं। काफी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर वो भी बहुत कम काउंसलिंग फीस के अंदर। सो इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर या फिर आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमारी टीम से और हाँ आप भी एक बहुत अच्छा कॉलेज पा सकते हैं। वेल यार हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिन सबका लिस्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे हम आपके लिए अपडेट कर देंगे।